नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए मुकाबले में कल क्रिस गेल का तूफान आया, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। ये वही खिलाड़ी है जिसे इस साल की ऑक्शन में लिया ही नहीं गया था। किसी भी टीम ने उसे खरीदने से इनकार कर दिया था, बल्कि विराट कोहली की टीम में वो पिछले साल खेल रहे थे, लेकिन इस बार एक बार भी विराट कोहली की तरफ से बोली नहीं लगाई गई। लेकिन शायद अब विराट कोहली को क्रिस गेल का खेल देखकर पछतावा हो रहा होगा कि उन्होंने क्रिस गेल को अपनी टीम में क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्रिस गेल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर हर कोई कह सकता है कि क्रिस गेल अपनी टीम को फाइनल तक तो जरूर ले जाएंगे। और कोहली को ये डर सता रहा है कि अगर किंग्स 11 पंजाब फाइनल तक पहुंच गई तो बेंगलोर का क्या होगा, जिसमें विराट कोहली खुद कप्तानी कर रहे हैं। विराट कोहली को अपने फैसले पर काफी दुख हो रहा है और वो चाहते हैं कि अब क्रिस गेल उनकी टीम में वापस आ जाएं। तो ये कहा जा सकता है कि अपने ही फैसले पर पछता रहे हैं कोहली और चाह रहे हैं कि क्रिस गेल उनकी टीम में वापस आ जाए ताकि उनकी टीम मजबूत हो, क्योंकि आपको बता दें कि इस सीजन में विराट कोहली की टीम कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है। लगातार हार का सामना कर रही कोहली की टीम एक अच्छे खेल का इंतजार कर रही है, जिसमें उन्हें जीत मिल सके और वो फाइनल तक का सफर तय कर सके। लेकिन बिना क्रिस गेल के ये पॉसिबल ही नहीं है और इस बार क्रिस गेल कोहली की टीम में है ही नहीं। आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।